हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विलेज फूड खजाना। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स रेसिपी बनाएंगे। आप इसे इवनिंग में चाय के साथ आराम से ले सकते हैं, बहुत टेस्टी है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हमारा ये क्रिस्पी आलू स्नैक्स रेसिपी बनाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें आलू का मसाला बनाना है स्टफिंग के लिए, इसलिए हमें पैन में लेना है 1 चम्मच तेल। अब तेल में हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और इसके बाद हम डालेंगे कटा हुआ 1 प्याज। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है। अब हमें इसमें डालना है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हमें इसमें डालना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमें इसमें डालना है कटा हुआ 1 टमाटो, मैंने इसे बारीक से काट ली है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और इसे थोड़े देर के लिए भून लेते हैं अच्छे से। मसाले के साथ टमाटो अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम देंगे 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसमें डालना है उबला हुआ आलू। मैंने आलू को पहले से ही बॉईल करके रख लिया था, इसे हाथों से इसे मैश कर लेते हैं। अब इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये स्टफिंग वाला आलू मसाला अब रेडी हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं, हमारा आलू मसाला अब रेडी है। इसे प्लेट में अब निकाल देते हैं। यह मैंने उड़द दाल और चावल का एक पेस्ट बनाया है। यह मैंने लिया है 1 कप उड़द दाल और इसमें 1/4 कप चावल। इसे मैंने अच्छे से भिगो लिया था और इसे पेस्ट बना लिया है। अब देखिए पेस्ट हमें गाढ़ा ही बनाना है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं देना है। और इसे हाथों से अच्छे से 5 मिनट के लिए इसे फेंट लेंगे। जितना आप फेंटेंगे उतना फ्लफी होगा हमारा ये स्टफिंग वाला जो बड़ा है आलू का। अब इसमें हम डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता को थोड़ा सा हाथों से ऐसे मैंने टुकड़े कर लिए हैं छोटे छोटे पीसेस में। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक इसमें डालेंगे 1 चम्मच। अब जीरा डालेंगे इसमें 1 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, आप जो भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी डालने से बहुत क्रिस्पी बनता है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज और कटा हुआ हरी मिर्च और सारे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गए। अब चलिए हमें दूसरा प्रोसेस कर चलना है। अब हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पहले आलू थोड़ा सा लेंगे और ऐसे छोटा सा एक लोई के जैसा लेंगे और जो उड़द दाल चावल का बैटर हमने रखे थे पहले हाथों में लेंगे और इसके सेंटर में बीच में ही हमें वो आलू रखना है स्टफिंग वाला आलू और इसे चारों ओर से ऐसे सील कर लेना है। अरे देखिए ये बिल्कुल अब रेडी है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुकी है। अब इसे हम लो मीडियम फ्लेम रे ही फ्राई करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई कर लेना है। ये बहुत क्रिस्पी बनता है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसे एक बार बनाओगे तो बार बार बनाने की मन करेगा। ये गोल्डन कलर का जब हो जाएगा तब इसे हम निकाल देंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब देखिए इसका कलर कितना बढ़िया सा आ गया है और कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल गोल्डन कलर, ब्राउन कलर। अब इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं और दूसरा वाला को भी ऐसे फ्राई कर लेंगे। और सारे जो स्टफिंग वाला आलू का ही बड़ा है हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए घर में। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आएगा। सारे आलू स्टफिंग वाला ये बड़े हमारे अब बन चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं। आप इसका मज़ा लीजिए, घर में बनाइए, खाइए। ये कैसा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा। मेरी ये रेसिपी
अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।